तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम स्टोरी टाइम वीडियो बना रहे हैं, कुछ अलग कर रहा हूँ मैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था पिछली वीडियो में कि कुछ अलग करेंगे, एंड आज मैं एक आईफोन भी अनबॉक्स करने वाला हूँ जो कि मैंने बहुत पहले मंगाया था, आज से 4-5 साल पहले। छोटा सा आईफोन है, नॉर्मल फोन से काफ़ी छोटा है। मैं दिखाता हूँ आपको मेरा फोन, ये देखो, ये है नॉर्मल फोन और इसके मुकाबले कितना छोटा है। और ये आईफोन है, अब इसको भी हम देखेंगे बाद में, इसको 4-5 साल पहले मैंने क्यों मंगाया था वो भी बताऊंगा। एंड आज की वीडियो स्टोरी टाइम है, तो आज आप थोड़ा मोटिवेट भी हो पाओगे क्योंकि आज मैं आपको पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ कि मैं यूट्यूबर कैसे बना, है ना। तो इस टाइप की वीडियो अगर आपको पसंद आती तो मेरे को बताना, मैं और मोटिवेटिव वीडियोज बना सकता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में जो जो हुआ है उससे आप काफी सारे बंदे रिलेट कर पाओगे। तो ये शुरू होता है 2015 में मैंने 10th कंप्लीट किया था। एंड 10th कंप्लीट करने के बाद 3 महीने की छुट्टी होती है जैसा कि आप सभी को पता है। तो उस टाइम में क्या हुआ ना, घर वाले बोलते हैं कि भाई साहब तुम कुछ अलग कर लो, जब तक पेपर का रिजल्ट नहीं आता, जो भी हमने एग्जाम वगैरह दिए थे उसका रिजल्ट जब तक नहीं आता तब तक 3 महीने घर में बैठ के क्या करूंगा, कोई कोर्स कर ले, कोई जॉब कर ले, कुछ सीख ले। तो सबके साथ ऐसा होता है नॉर्मली, मेरे हिसाब से मेरे दोस्त भी उस टाइम पे लगभग जो अच्छे घर के हैं उनको छोड़ के, जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली के, वो सब जॉब करते हैं या फिर कोई कोर्स वगैरह सीखने लग जाते हैं जो कि उनको आगे जाके हेल्प करे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, तो मैंने मार्केटिंग की जॉब पकड़ी। मेरे घर के पास है एक शॉप, वहां पर मैंने सोचा कि मैं जॉब करता हूँ, है ना। तो मैं जॉब करने लग गया और उसके बाद यूट्यूबर कैसे बना अभी पता चलेगा आपको। तो उसके बाद ना मैं फिर ऑनलाइन सर्च करता रहता था कि भाई साहब पैसे कैसे कमाएं, है ना, और इसके अलावा कि अर्निंग वगैरह कैसे करें। उस टाइम पे नया पेटीएम लॉन्च हुआ था, तो पेटीएम यूज करना तो काफी कम बंदों को आता था। एंड उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स निकली, आपको पता ही है मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ, गेम्स में भी देता हूँ, बाकी भी और भी काफी सारे मैंने ऐसी हरकतें की हैं जिसकी वजह से मुझे काफी कुछ मिला है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला चैनल था मेरा ये वाला, जो कि काफी सारे बंदे जाके सर्च करेंगे अब, टैग गुरु हिंदी, जिससे मुझे मिला था ये वाला प्ले बटन, जो कि मुझे मिल गया था 2016 में मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, 2016 में हुए थे या फिर 17 में, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, बट मुझे पता है कि मेरा पहला चैनल ये था जिससे मैं यूट्यूबर बना। अब ये वाला चैनल मैंने कैसे बनाया, तो मैंने पेटीएम की टिप्स एंड ट्रिक्स डाली थी कि भाई साहब मतलब अपना रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, और 100 रुपए का रिचार्ज मतलब 50 रुपए में हो जाता था कूपन वगैरह लगा के, एंड कभी कभी फ्री में भी रिचार्ज हो जाता था, एंड काफी सारे कूपन ऐसे मिल जाते थे जिससे हम शॉपिंग कर सकते थे। तो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने डाली पेटीएम की। उसके बाद फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब का भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं डालने लग गया कि भाई साहब लाइक्स कैसे बढ़ाएं। अभी तो चलो नॉर्मल हो गया, पर पहले 2015-16 में बहुत बंदे सर्च करते थे भाई लाइक कैसे बढ़ाएं, है ना। तो इस टाइप की मैं वीडियोस डालता था उस टाइम पे, और मूवीज वगैरह कैसे डाउनलोड करें ये भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो वो वीडियोज मेरी काफी चली एंड मुझे काफी प्यार मिला, फिर मुझे कंपनीज की ऑफर्स आने लग गई कि हमारे लिए वीडियो बनाओ, हमारे लिए वीडियो बनाओ। तो तब तक मैं फेमस होने के लिए ही करता था, मुझे नहीं पता था मैं यूट्यूब से अर्निंग कर सकता हूँ, ठीक है। तब तक मैं जॉब भी करता था साथ में, जो कि मेरी सैलरी थी 9 से 10 हजार के आसपास मंथली, एंड जॉब के साथ साथ मैं यूट्यूब पे कभी कभी टिप्स एंड ट्रिक्स डाल देता था। अभी तो जैसे मैं डेली डालने लग गया था गेम प्ले वगैरह, क्योंकि अर्निंग सोर्स बन गया था ना, अभी तो मैं पैसे कमा रहा था, बट उस टाइम पे मैं पैसे नहीं कमा रहा था यूट्यूब पे, मैं सिर्फ फेमस होने के लिए आया था कि मुझे थोड़े बंदे जाने और मेरे फेसबुक पे फोटोज पे लाइक आए, इंस्टाग्राम पे थोड़े से लाइक आए, है ना। इस टाइप का मैं उस टाइम पे सोच के चलता था कि भाई थोड़े से लाइक आ जाएंगे तो भाई भोकाल हो जाएगा ना, लोगों को पता तो चलेगा इसको जानते लोग। तो मैं फेमस होने के लिए यूट्यूब पे आया था, मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया, पेटीएम की टिप्स एंड ट्रिक डाली, इंस्टाग्राम की डाली, फेसबुक की डाली, व्हाट्सएप की डाली, तो मुझे काफी प्यार मिला। तो फिर मुझे कंपनीज की ऑफर आई, तो कंपनीज ने बोला, उस टाइम तक मैं यूट्यूब से 1 रुपये भी नहीं कमाया, ठीक है। जो ये वाला चैनल है ना, मैं आपको बता दूं, इस वाले चैनल पे मैंने 5 लाख सब्सक्राइबर कर लिए थे और मैंने 1 रुपये भी नहीं कमाया था यूट्यूब से। सोच सकते हो मैं यूट्यूब पे पैसों के लिए नहीं आया था, और इस चैनल के मेरे को प्रूफ भी पड़े हैं कि मैंने 1 रुपये तक नहीं कमाया एडसेंस से, जो मतलब हमें पैसे देती है यूट्यूब की कंपनी जिसका नाम है एडसेंस, उसे लिंक करना पड़ता है और तब जाके हमें पैसे मिलते हैं। तो इस वाले चैनल से मैंने 1 रुपये तक नहीं कमाया, जबकि अगर मुझे नॉलेज होती ना तो इस वाले चैनल से मैं 30 से 40 हजार रुपये कमा सकता था इस वाले चैनल से, ठीक है, जिससे मैंने 1 रुपये भी नहीं कमाया। अब बताता हूँ कैसे। तो जब मैंने ये वाला चैनल बनाया तो मैं फेमस होने के लिए बनाया था चैनल, ओके,
इस वाले चैनल पे मेरी बहुत अनबॉक्सिंग की वीडियो चली, हेडफोन ले आया उसकी अनबॉक्सिंग कर दी, मुझे ड्रोन भेजा था Bengu.com ने, उसकी वीडियो तो अभी भी चैनल पे होगी, 1.5 मिलियन पे गई थी। और टेक वीडियोस पे कितनी अर्निंग होती है आप सर्च करके देख लेना, बहुत अच्छी खासी अर्निंग है, बट मेरी एड्स ऑन ही नहीं थी। तो हुआ क्या कि मैं ये वाला चैनल तो फेमस होने के लिए बनाया था, तो मैं फेमस भी हो गया और काफी सारी कंपनीज की मुझे स्पॉन्सर आने लग गई, वहां से हल्के फुल्के पैसे भी आने लग गए, तो मैं कंपनियों के लिए काम करने लग गया। और एडसेंस की मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, और मैंने नॉलेज नहीं थी तो छेड़ दिया एडसेंस, और मेरा एडसेंस हो गया सस्पेंड। पहले 1 महीने के लिए सस्पेंड हुआ, फिर 2 महीने के लिए सस्पेंड हुआ, फिर परमानेंट सस्पेंड हो गया, मतलब कि उस चैनल से मैं कुछ कमा ही नहीं सकता, तो वो चैनल तो मेरा खराब हो गया। वैसे भी मैं पैसे कमाने नहीं आया था, तो चैनल पे एड नहीं आती थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं कंपनीज की वीडियो डाल देता था, टिप्स एंड ट्रिक्स डाल देता था। फिर मुझे पता चला कि भाई हम अर्निंग भी कर सकते हैं, है ना। तो फिर क्या हुआ ना, मुझे ना लिखने का शौक था, तो मैंने उस टाइम पे लिखी, काफी सारी स्टोरीज लिखी थी, तो एक वीडियो बनाने को मुझे 25-30 दिन लगे थे स्टोरी लिख के, और वो वीडियो मैंने डाली, ठीक है, और वो वीडियो मेरी उड़ा दी, क्योंकि उस पर मैंने कुछ कॉपीराइट कंटेंट यूज कर लिया था, जैसे कि पूरी वीडियो मेरी नहीं थी, थोड़े म्यूजिक वगैरह मैंने यूज कर लिए थे किसी चैनल के। तो जैसे मैंने वीडियो अपलोड की, थोड़ी सी चली और वो उड़ गई, तो मैं काफी डिमोटिवेट हो गया, और मुझे ना बहुत गुस्सा आया, पैसे तो मैं कमा नहीं रहा था, सिर्फ मैं फेमस होने के लिए कर रहा था, तो मैं ना बहुत दुखी सा हो गया। फिर मैंने ना उस चैनल पर थोड़ा ध्यान कम कर दिया। फिर मेरे दोस्त जितने भी थे यूट्यूबर, वो सारे गेमिंग में शिफ्ट होने लग गए, तो जब वो गेमिंग में शिफ्ट होने लग गए, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी गेमिंग में जाता हूँ। वैसे मैंने उस चैनल से अर्निंग की थी, बट मैंने यूट्यूब से कुछ नहीं कमाया था, सिर्फ मैंने जो स्पॉन्सर पकड़े, जो अनबॉक्सिंग वगैरह कर दी या फिर किसी कंपनी की वीडियो डाल दी, तो उसी से मेरी अर्निंग हुई थी उस वाले चैनल पे, जो मेरा फर्स्ट चैनल था। फिर उसके बाद मैंने बनाया एक एक्सपेरिमेंट चैनल, ठीक है, ऐसे मैं यूट्यूबर बना, ठीक है, पहले मैंने फेमस होने के लिए बनाया, फिर मैं कमाने लग गया। कमाने कैसे लग गया, फिर मैंने चैनल बनाया पारस एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, जो मेरा सेकंड चैनल था, जिसका प्ले बटन ये है, जिस पे लिखा हुआ है पारस गेमर, ठीक है ना। तो पहला वाला था टैग गुरु हिंदी, उसके बाद पारस गेमर। तो इसका पारस गेमर क्यों लिखा हुआ है वो आपको मैं बताता हूं। तो जो एक्सपेरिमेंट वगैरह वाला चैनल मैंने बनाया था, उसमें ना मेहनत बहुत थी, मेहनत थी और रिस्पॉन्स नहीं अच्छा मिल रहा था। तो फिर मैंने थोड़े दिन एक्सपेरिमेंट वगैरह किए, कभी मैंने अंडे के साथ एक्सपेरिमेंट किया, अंडे पे बम लगा दिया, मतलब अंडे और मतलब बहुत तरह तरह की चीजें मैंने कर रखी हैं। तो वो वीडियोस भी मेरे पास पड़ी हैं, बट मैंने पब्लिक नहीं कर रखी, मैंने वो कर रखी है। अगर आप बोलोगे तो मैं जो मेरी पुरानी वीडियोस है ना, उस पे मैं खुद रिएक्शन दूंगा, रिएक्ट करूंगा। अगर वो वाली वीडियो भी चाहिए तो मेरे पास सारी पड़ी हुई हैं, अनलिस्टेड पड़ी हुई हैं, वो निकाल सकता हूं मैं, है ना, आपको नहीं दिखेंगी, मुझे तो दिख रही है ना, तो उस पे मैं रिएक्ट कर सकता हूं, है ना। तो ऐसे मैं 2015-16 में यूट्यूबर बन गया। तो अब जब मैं यूट्यूबर बना, ठीक है, मैं फेमस होने के लिए आया था, फेमस होने के चक्कर में मैं बन गया यूट्यूबर, मुझे भी नहीं पता था मैं यूट्यूबर बन गया हूं, क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब का इतना क्रेज था नहीं, और जियो का नेट था, तो उस हिसाब से जियो का जितना नेट मिलता था, कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो मैं पंगे लेता रहता था। फिर मैंने एक्सपेरिमेंट चैनल बनाया, एक्सपेरिमेंट चैनल मेरा गया 15,000 सब्सक्राइबर तक, और मुझे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है, टैग गुरु हिंदी वाला थोड़ा सा नाम था, इस वजह से 15,000 तक पहुंच गया। फिर मैं ना थोड़ा सा फिर डिमोटिवेट हो गया, मैंने बोला यार कुछ बनता तो है नहीं, यूट्यूब पे तो बोलते इतना है उतना है, पैसे कमा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। पहले तो मैं फेमस होने आया था, फिर मुझे पैसों का पड़ गया कि भाई पैसे कमा सकते तो क्यों ना कमाए, है ना। तो उसके बाद फिर मैंने एक्सपेरिमेंट वाले चैनल को बंद कर दिया, ठीक है, 15,000 पे अटक गया ये। और फिर मैंने खोला पारस ऑफिशियल चैनल, तो ये रहा अपना पारस ऑफिशियल, ठीक है, ठीक है। तो पारस ऑफिशियल चैनल पे मैंने डाली वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स की, और मैं बहुत लेट आया था पबजी के अंदर, जब पबजी आई थी मैं बहुत लेट आया था, मेरे से पहले बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर आ रखे थे उस टाइम पे जो चल रहे थे, ठीक है, जैसे गेम एक्स प्रो हो गया, लेजेंड एक्स हो गया, जी गुरु जी हो गया, मिस्टर साइबर स्कोड हो गया, तो ये 3-4 नाम थे जो काफी फेमस थे उस टाइम पे, है ना, डायनमो हो गया, मोटल हो गया, तो उस टाइम पे यही फेमस थे जब मैं आया था यूट्यूब में, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने इनको देखा, और गेम एक्स प्रो मेरा काफी अच्छा दोस्त था, जब मेरा टेक्निकल चैनल था तब गेम एक्स प्रो का भी टेक्निकल चैनल था, तो टेक्निकल चैनल जब गेम एक्स प्रो ने अपना टेक्निकल चैनल बंद कर दिया, उसके 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर थे, मेरे 5-5.5 लाख सब्सक्राइबर थे, हम दोनों का टेक्निकल चैनल था, वो गेमिंग में घुस गया। उस टाइम पे सुनील गेमर करके एक बंदा है जिसका चैनल था टेक्निकल सुनील, उसके 15 लाख सब्सक्राइबर थे टेक्निकल चैनल पे, वो भी गेमिंग में आ गया। तो मैंने जब देखा यार यूट्यूब पे सब गेमिंग में घुस रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी घुस जाता हूं, तो मेरा कुछ चल तो रहा नहीं था, 5 लाख वाला सब्सक्राइबर वैसे ही खत्म हो गया था, क्योंकि अर्निंग कर नहीं सकते, सिर्फ व्यूज आते हैं
और व्यूज का क्या करेगा बंदा, है ना। कंपनीज की ऑफर भी आनी बंद हो गई थी। आपको स्पॉन्सर हर वक्त मिले ऐसा भी पॉसिबल नहीं है ना, कोई कोई वीडियो स्पॉन्सर मिलेगी, बाकी वीडियोस तो फ्री में बन रही थी मेरी, तो मुझे लॉस ही हो रहा था। घर वाले भी बोलते थे भाई साहब कुछ करता धरता तो है नहीं, वीडियोस बनाता रहता, कुछ आता भी है तुझे। तो उसके बाद फिर मैंने खोला अपना पारस ऑफिशियल चैनल, तो इस पर मैंने एक टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो डाली, ठीक है। पहली वीडियो डाली, थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, 1000 के आसपास व्यू आए। उसके बाद मैंने दूसरी डाली, तीसरी डाली, तीसरी मेरी वायरल हो गई, ठीक है। वो थी शायद वीपीएन ट्रिक थी, उस टाइम पे वीपीएन ट्रिक बहुत चलती थी। और फिर उसके बाद मैंने चौथी ट्रिक डाली, क्योंकि पेटीएम वगैरह की मुझे काफी नॉलेज थी, टिप्स एंड ट्रिक्स मुझे आती थी कि ऑफर्स कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो उस टाइम पे एक ऑफर आई कि भाई साहब तुम नया अकाउंट अगर पेटीएम का बनाते हो ना, तो फिर तुम पेटीएम का नया अकाउंट बनाते तुम्हें 40 रुपए का सोना मिल जाता है। अब मैंने उस सोने वाली ट्रिक को घुमा फिरा के कन्वर्ट कर दिया यूसी के अंदर। अब जो हमें 40 रुपए का सोना मिल रहा था, ठीक है, मैंने उसको सेल करके उससे कूपन खरीद लिया गूगल प्ले स्टोर का। उस कूपन को मैंने डाला गूगल प्ले स्टोर पे, ठीक है, और प्ले स्टोर का कूपन बना के उससे यूसी बाय कर ली। तो ये ट्रिक मैंने डाली और मेरी एक दिन में वायरल हो गई, एक दिन में 1.5 लाख व्यूज आ गए उस पे, चैनल पे अभी भी वीडियो पड़ी होगी। तो जब वो वीडियो वायरल हुई ना, तो लोगों को फ्री में यूसी मिलने लग गई, तो उस टाइम से फ्री यूसी वाला सिस्टम चला और वो वीडियो भी मेरी वायरल हुई, मेरी वीपीएन ट्रिक्स भी काफी वायरल हुई। और फिर मैंने वीपीएन ट्रिक डालनी स्टार्ट की और जैसे अपडेट आते हैं उनकी वीडियो डालनी स्टार्ट की। तो उस टाइम पे मैं 2-3 दिन में एक वीडियो डालता था और जब मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं बहुत खुश हुआ। और फिर ऐसे ही करते करते मेरी धीरे 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 अर्निंग भी स्टार्ट हो गई इस चैनल से, क्योंकि इस पे मोनेटाइजेशन तो पहले से ऑन था, क्योंकि मैंने इस पे काफी सारे पंगे इस पे भी ले रखे थे, तो मोनेटाइजेशन की दिक्कत नहीं हुई। पहली बात ये, अभी मोनेटाइजेशन में दिक्कत होती है, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, 4000 घंटे चाहिए। जब मैं यूट्यूब पे आया था, मैंने जितने भी चैनल बनाए मेरे पहले से ही मोनेटाइज थे, क्योंकि पहले क्या रूल था ना यूट्यूब पे, जैसे आप यूट्यूबर बनते हो, जैसे मतलब कोई वीडियो डाल दी तुमने तो तुम एक तरह से यूट्यूबर बन गए क्योंकि तुमने चैनल बनाया ना। तो उस टाइम पे क्या होता था, पहले व्यूज से ही पैसे मिलने लग जाते थे, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं थी। अब टर्म एंड कंडीशन ज्यादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि काफी सारे यूट्यूबर हो गए। तो फिर मैंने तीसरा चैनल बनाया जो कि अभी तक अच्छा चल रहा है, और आपने मेरा स्ट्रगल देखा ही है, कैसे कैसे मैं वीडियोज बनाता हूँ, कैसे कैसे मेरे साथ सीन हुए, है ना। तो नॉलेज मेरे को बिल्कुल नहीं थी यूट्यूब की। अब आप सोचोगे कि भाई साहब मुझे यूट्यूब की नॉलेज कहां से, तो मैंने सारा कुछ यूट्यूब से सीखा। अब ये स्टोरी बताने का मतलब क्या है, जैसे काफी सारे बंदे सोचते हैं कि भाई साहब ये तो यूट्यूबर है, ये तो काफी फेमस है, तो मैं आप ही की तरह नॉर्मल बंदा हूं, बट मेरे थोड़े से फॉलोवर्स हो गए। आप भी यूट्यूबर बन सकते हो, बट यही है कि आपको ट्राई करना पड़ेगा। मैं सही बताऊं तो मैंने 1-2 साल तक कुछ भी यूट्यूब से नहीं कमाया था, ठीक है, बट मैंने वैसे अर्निंग की थी। मेरे काफी सारे कंपनीज वाले अच्छे दोस्त बन गए थे, मुझे याद है चंद्रेश सर थे एक गुजरात के जो कि मुझे काम देते थे, जिग्नेश भाई थे जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, ठीक है, उसके अलावा 2-3 नाम और हैं जो कि मुझे याद नहीं आ रहे, बट उन्होंने मेरी काफी हेल्प की, उन्होंने मुझे बहुत काम दिया। मैं सही बताता हूं, जब मैं यूट्यूबर मतलब यूट्यूबर तो था, जब मैं टैग गुरु हिंदी चैनल की बात कर रहा हूं, टैग गुरु हिंदी चैनल से मैंने यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं की, बट यूट्यूब पे वीडियोस डाल डाल के कंपनी वालों ने मुझे पे किया। पहले मैंने काम कैसे छोड़ा ये बताता हूँ। जब मैंने ये वाला चैनल बनाया, मैंने थोड़ी सी वीडियोस डाली 1-2 महीने तक, थोड़ी सी वीडियोस मेरी वायरल भी हुई, पारस टेक्निक टेक गुरु हिंदी वाली बोल रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ ना, मैं जॉब करता था, सुबह 9 बजे जाता था और रात को 9 बजे छुट्टी होती थी, ठीक है। तो बीच बीच में जब मुझे टाइम मिलता था, मैं वीडियोज बना के डाल देता था। तो मुझे फोन आता है, ठीक है, क्लिक एंड अर्न करके एक कंपनी थी उसका, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे लिए काम करोगे। मैंने बोला क्या काम करना है, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट लिख के दी कि ऐसे ऐसे तुमने एक वीडियो बनानी है, और उसमें कोई गलत नहीं था, सारा कुछ मतलब जेन्युइन चीज थी, ठीक है। तो मैंने वो वीडियो बना के उन्हें दी, उन्होंने मुझे 500 रुपए सेंड किए, ठीक है ना। तो ये मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूं आपको, तो उन्होंने मुझे 500 रुपए सेंड किए। तो 500 रुपए सेंड किए, मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि मेरे को वीडियो बनाने में 1-2 घंटे लगे थे सिर्फ, और मैं पूरे दिन में मतलब सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम करता था, तो मुझे 300 रुपए मिलते थे, है ना। और 3 महीने की छुट्टी थी, 2 महीने मैंने गवा दिए थे, 1 महीना बचा था मेरे पास। तो फिर मुझे कंपनी ने ना एक वीडियो दी, 500 रुपए मिले, फिर उसके बाद उन्होंने थोड़े दिन बाद दूसरी वीडियो दी, फिर 500 मिले, फिर उन्होंने थोड़े दिन बाद तीसरी वीडियो दी, फिर 500 रुपए मिले। तो मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि 2-3 घंटे का काम और 500 रुपए मिल जाते थे, और उस टाइम पे मेरा फैन बेस इतना नहीं था, मेरे फॉलोअर्स इतने नहीं थे। तो क्या हुआ, फिर मैंने ना धीरे धीरे मतलब सोचा कि मतलब यार मैं पूरे दिन मेहनत करता हूँ, 300 मिलते हैं और यहाँ पर मुझे 500 मिल जाते हैं, तो ना मैं थोड़ा ना अपने जॉब पे कम ध्यान देने लग गया, छुट्टियां करने लग गया, और मतलब ये काम में ज्यादा ध्यान देने लग गया वीडियोज बनाने में।
तो ना जो मेरा बाऊ जिसे बोलते हैं या फिर बॉस 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 हाँ बॉस बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे मालिक बोलते हैं, तो जो मेरा बॉस था वो मुझे बोलने लग गया, भाई साहब तू छुट्टियां बहुत करने लग गया है। तो एक दिन ना मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं था और मेरा एक दोस्त था गौरव नाम का, हम दोनों ना अमृतसर जा रहे थे, गोल्डन टेम्पल आपने नाम सुना होगा, हम बाइक पे जा रहे थे, तो बारिश पड़ रही थी और हमारा पूरा मूड बना हुआ था आज हमने जाना ही जाना, और हम जा रहे थे बाइक पे और हमारा ना बाइक का ना चक्का स्लिप कर गया बारिश में, और हम दोनों के बहुत ज्यादा चोटें लग गई। हमने प्लान बनाया था रात को जाएंगे, सुबह तक आ जाएंगे, सुबह जॉब पे जाएंगे, ठीक है ना। तो घर के पास ही है गोल्डन टेम्पल, ज्यादा दूर नहीं है, 2 घंटे जाने में 2 घंटे आने में, या फिर 3 घंटे जाने में 3 घंटे आने में, 1 घंटा हम वहां पर स्पेंड करते, 1 से 2 घंटा, सुबह तक हम वापिस आ जाते जॉब पे, थोड़ा लेट भी होते तो चलता। अब क्या हुआ कि हम एक्सीडेंट हो गया हमारा, हमारा एक्सीडेंट हुआ तो हम किसी तरीके से उठे, मेरी पूरी ये वाली बाजू छिल गई थी, ठीक है, अभी भी निशान है, अभी जैकेट खोलूंगा तो दिखा सकता हूँ, बट काफी ड्रामे हो जाएंगे। तो ये पूरी हाथ ना मेरा छिल गया, तो मैं गौरव के घर गया, मतलब अपने घर तो जा नहीं सकता था, सिंपल सी बात है, मैं गौरव के घर गया, वहीं सो गया। एंड फिर गौरव के भी बहुत चोट लगी थी, चला तो वही रहा था, मैं तो पीछे बैठा हुआ था। तो अब हम दोनों जॉब करते थे मार्केटिंग का, दोनों को ही जाना जरूरी होता था, क्योंकि जो हमारी शॉप थी वो काफी अच्छी खासी चलती थी, तो उसमें अगर हम छुट्टी करते थे तो काफी प्रॉब्लम्स आ जाती थे ना, और हम दोनों ही मेन थे, क्योंकि जो बाजार जाना होता था, मार्केटिंग करनी होती थी, सामान लेके आना होता था या फिर जो भी करना होता था, हम दोनों ही करते थे। अगर वो नहीं जाता था तो मैं संभाल लेता था, अगर मैं नहीं जाता था वो संभाल लेता। अब दोनों का एक्सीडेंट हो गया, तो अब जो हमारा बॉस है हमें फोन कर रहा है, भाई साहब काम पे क्यों नहीं आए, मैं बोल रहा हूँ सर मेरा एक्सीडेंट हो गया मैं नहीं आऊंगा, अब वो बोल रहा है मेरा एक्सीडेंट हो गया मैं नहीं आऊंगा। तो उनको लगा कि हम ड्रामा कर रहे हैं, तो वो ना गुस्से में बोलने लग गया कि काम नहीं करना है, ऐसे करना है तो नहीं चलेगा। तो अब मैंने भी गुस्से में बोल दिया सर मेरा हिसाब कर दो, ठीक है मैं कल से जॉब पे नहीं आऊंगा, उसने भी गुस्से में बोल दिया कि भाई साहब मेरा हिसाब कर दो मैं जॉब पे नहीं आऊंगा। अब वहां मैंने 9,000 की नौकरी छोड़ी और इधर मैं ध्यान देने लग गया यूट्यूब पे, और फिर मुझे 2-3 कंपनीज ने मतलब मैसेज किया काम के लिए, मैंने सबके काम पकड़ लिए, और पहले मैं लेता था 500 रुपये एक वीडियो बनाने का, ठीक है पूरी वीडियो बनाने का 500 रुपये लेता था, आज से 2015-16 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, फिर मेरे थोड़े फॉलोअर्स बढ़ गए, फिर मुझे किसी ने आइडिया दिया यार तू 500 रुपये लेता है, किसी यूट्यूबर ने आइडिया दिया भाई तू 500 रुपये लेता है, मैं तो भाई इतने लेता हूँ। तो मैंने बोला अच्छा, तो मैंने रेट बढ़ा दिया अपना, मैंने वह सभी कंपनी को बोल दिया भाई 500 में अब नहीं हो पाएगा, 1,000 लूंगा मैं। तो कंपनी वाले भी बोले ठीक है 1,000 दे देंगे। फिर मैंने थोड़े दिन 1,000 रुपये में काम किया, मतलब एक वीडियो बनाने का 1,000 रुपये लेता था, और डेली की मुझे कभी कभी आ जाती थी 2-3 वीडियो, कभी कभी नहीं भी आती थी, तो डिपेंड करता था कितनी वीडियोज मैं बनाता हूँ, ठीक है। फिर मेरी अर्निंग अच्छी खासी होने लग गई, मंथली मैं 9,000 कमा रहा था, इधर मेरे ज्यादा बनने लग गए, तो फिर मैं पैसे जोड़ने लग गया। मैं घर पे नहीं बताता था कि मैं अर्निंग कर रहा हूँ, क्योंकि आप सीधा घर पे बता दोगे कि भाई मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ तो भाई साहब फिर जूते ही बढ़ेंगे आपको, है ना। मतलब उस टाइम पे अर्निंग इतनी थी नहीं, घर वाले गालियां देते थे कि भाई तू तो कुछ करता नहीं है, मोबाइल में लगा रहता है। तो मैं ना पैसे जोड़ रहा था कि ना मैं कुछ अलग सा ही करके ना घर वालों को सरप्राइज दे दूँ, तो फिर मैं पैसे जोड़ने लग गया। फिर धीरे धीरे मुझे यूट्यूबर ने बोला यार तेरे फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, तू रेट तो बढ़ा नहीं रहा, 1,000 रुपये ले रहा है। फिर मैंने कंपनी को बोला भाई साहब 1,000 में भी नहीं होगा, 2,500 लूंगा एक वीडियो का। कंपनी वाले बोले ठीक है तू 2,500 ले, क्योंकि उन्हें रिस्पॉन्स चाहिए था, रिस्पॉन्स उन्हें मिल रहा था। तो इस तरीके से फिर रेट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ठीक है। इस तरीके से फिर मैं यहां तक पहुंचा, ये थी मेरी यूट्यूबर बनने की स्टोरी, कैसे मैं यूट्यूबर बना, जॉब छोड़ के यूट्यूब पे ध्यान दिया। और मैं यूट्यूब पे पहले पैसे कमाने नहीं आया था, सिंपल सी बात मैं पहले ही आपको बता दूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। और अगर कुछ बंदे बोलेंगे कि भाई साहब सारे बंदे यूट्यूब पे पैसे कमाने आते हैं, तो मैं पहले चैनल का ना पूरा अर्निंग प्रूफ दे सकता हूँ कि मैंने कितनी वीडियोज, मैंने 1,500 वीडियोज डाली थी और मुझे एडसन से 1 रुपया नहीं ट्रांसफर हुआ। मेरे पास अभी वो वाला फोन नहीं है, छत पे पड़ा है मेरे दूसरे कमरे में, नहीं तो मैं आपको दिखाता, अभी दिखा देता लाइव प्रूफ। मैंने 1 रुपये नहीं कमाए अपने फर्स्ट चैनल से, उससे मैंने सीखा है जो भी सीखा, उसके बाद अभी मैं अर्निंग करनी स्टार्ट कर चुका हूँ, अच्छी खासी अर्निंग होती है। व्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी अर्निंग कितनी होती वो तो हम नहीं बता सकते, बट यार ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कमा सकते हो। देखो जब तक आपके व्यूज आ रहे हैं तब तक आप बहुत ज्यादा कमा रहे हो, ठीक है। जब आपके व्यूज डाउन जाएंगे तब आपकी कम अर्निंग होगी। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, किसी किसी मंथ लाखों में भी अर्निंग आ जाती है, किसी किसी मंथ 1,000 में भी नहीं आती, ऐसा मान के चलो। डाउन हुआ हूं बहुत, अप भी गया हूं बहुत, तो ग्राफ ऊपर नीचे चलता रहता है। बट आप सिर्फ पैसों के लिए यूट्यूब पे आओगे, शौक से आओगे ना, तो आप जल्दी सक्सेस हो पाओगे, इतना मैंने देख लिया।
बाकी अभी तो मैं भी यार पैसे कमाने के लिए वीडियोस बनाता हूँ, सिंपल सी बात है, क्योंकि मुझे पता है कैसे पैसे आ रहे हैं, मैंने समझ लिया सारा कुछ ना। तो इस वीडियो से काफी सारे बंदे मोटिवेट हो सकते हैं कि मैं कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पर हूँ अभी। अभी लगभग लगभग जितनी चीजें मैं ले रहा हूँ, चाहे वो फोन है, चाहे मेरा आईपैड है, चाहे मेरा फोन है ना, चाहे कुछ भी है, चाहे गेम्स वगैरह ही है जो मैं गेम्स में भी लगाता हूँ, तो मैं वो अपने पैसे लगाता हूँ खुद अर्निंग करके, है ना, मैं घर वालों को तंग नहीं करता। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, यूट्यूबर बनना चाहता है, तो मैं उन्हें यही बोलूंगा, घर वालों को मत परेशान करो, क्योंकि मैंने सिर्फ एक फोन से स्टार्ट किया था। अगर आप बोलोगे ना, मैं अपनी पुरानी वीडियोस भी दिखाऊंगा, मैंने सिर्फ एक फोन से स्टार्ट किया और सारा कुछ मैंने अपने आप ही लिया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कैमरे की जरूरत है। मैं सही बताऊं ना, मैं कैमरा कभी नहीं यूज किया। अभी भी मेरी वीडियो जो बन रही है ना, मेरे आईपैड पे बन रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, रुको, ये देखो, फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ, ये देखो सामने आईपैड बड़ा, देखो सिंपल सा मैं टेबल पे रख के वीडियो बनाता हूँ। अभी भी आज तक मैंने कोई कैमरा नहीं खरीदा, ठीक है, आज तक मैंने कोई माइक नहीं खरीदा, कोई माइक नहीं लगा, देखो कोई माइक लगा, कुछ नहीं भाई। नॉर्मल वीडियो भी बन सकती है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत है, सिर्फ आपका मन होना चाहिए और आपको थोड़ा उस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए कि भाई साहब मुझे ये चीज करनी है। जरूरी नहीं आप गेमर बनो, ठीक है ना। मैंने जैसा कि बोला, मैंने पहले टिप्स एंड ट्रिक्स डाली, फिर टेक्निकल वीडियोज डाली, फिर अनबॉक्सिंग वीडियोज डाली, फिर मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया, फिर मैंने स्टेटस की वीडियोज भी डाली। मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। एक बार में कोई सक्सेसफुल हो जाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। काफी सारे बंदे ट्राई करते हैं, पहला ट्राई फेल हुआ दूसरा करते हैं, दूसरा फेल हुआ तीसरा करते हैं, बट आपको ट्राई करते रहना है। तो ये थी स्टोरी टाइम वीडियो। ऐसी मेरे पास बहुत स्टोरी है जो कि आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी मैं आपको ये वाले फोन की स्टोरी बता रहा हूँ। जब मैंने शुरू शुरू में अर्निंग करनी स्टार्ट की थी ना, मैं बहुत सारी ऊटपटांग चीजें खरीदता था। जैसे मैंने ये फोन खरीद लिया, एप्पल का क्लोन है ये वैसे तो, बट ये मुझे बहुत पसंद आया था। ये मैंने शोपीस के लिए रखा था, ये 5 साल से ऐसे ही पड़ा है डब्बे में। और ये मैंने क्यों खरीदा था बताता हूँ। तो ये फोन मैंने खरीदा था सजाने के लिए, मुझे बहुत शौक था। मैं ड्रोन खरीद के ले आता था कभी, वो कैमरे से होते हैं ना जो मोबाइल के पीछे लग जाते हैं लेंस, वो खरीद के ले आता था, क्लोन खरीद के ले आता था, सजाने के लिए जो चीजें मिलती हैं सब खरीद के, गाड़ी गुड़ी जो मिलता था ना, मुझे बहुत पसंद है ये सब चीजें। कुछ अलग करना ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो उसी टाइम पे मैंने ये फोन खरीदा था अपने टेक गुरु हिंदी वाले चैनल की अर्निंग से। और ये फोन अभी तक देखो रैपर के अंदर है, पता कर सकते हो आप मैं कितने ध्यान से रखा हूं। और ये आईफोन की कॉपी है, ये आईफोन नहीं है, और ये छोटा सा फोन है और ये चलता है, इसको चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे तो इसकी भी फुल वीडियो डाल दूंगा। फोन काफी अच्छा है, बट चाइनीज कंपनी का है, बट ठीक है यार, अच्छा फोन है। सजाने के लिए मैंने मंगाया था और सजा के ही रखूंगा इसे मैं। देखो भाई क्या फोन है ना, ये देखो, ऐसा थंबनेल बनाते हैं ना ऐसा थंबनेल बनाते हैं ना जो अनबॉक्सिंग करते हैं भाई साहब इस बॉक्स में है क्या क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके अंदर फोन था, ठीक है, और ये यूजर गाइड है, ठीक है, और ये स्टिकर्स है जिसमें ईएमआई नंबर वगैरह लिखा होगा, और इसमें सिम डलता है, सिम स्लॉट भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। ये तो फोन हो गया फ्रंट, ये हो गया बैक, ठीक है, और सिम स्लॉट कहाँ डलता है, ये देखो सिम स्लॉट यहाँ पर है ना, ये देखो भाई साहब बहुत तगड़ा फोन है। मेमोरी कार्ड भी डलता है इसमें भाई, गाने भी चलते हैं इसमें, मैंने चलाया हुआ है ना। तो यही था आज की वीडियो में। और मेरे पास यूट्यूब का भी काफी सामान पड़ा है जो यूट्यूब वगैरह से गिफ्ट मिला या फिर किसी कंपनी से, तो उसकी भी स्टोरी चाहिए, उसकी भी वीडियो चाहिए तो मेरे को बताना। बाकी आज के लिए इतना ही। मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करता हूँ एंड आपको मोटिवेट करता हूँ, ताकि आप में से भी काफी सारे बंदे इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा मोटिवेट होके कुछ अलग करें, ठीक है ना। अपने देखो यार सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है ना वो आपके ऊपर है, ठीक है। आपको YouTube करना है तो YouTube करो, सिंपल सी बात है। आपको स्पोर्ट्स में जाना है, ठीक है ना, जो एथलीट वगैरह होते हैं, तो जो आपका मन कहता है ना कि आप कर सकते हो, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, मतलब जो इंटरेस्ट है ना आपका, उस चीज पे अगर आप ध्यान दोगे ना, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा बट आप सक्सेस जरूर होगे। जबरदस्ती कोई चीज करना, जबरदस्ती कोई जॉब करना या जबरदस्ती कुछ अपने आप पे थोपना, वो भी ठीक नहीं है, बट धीरे धीरे सक्सेस मिलेगी, उसके लिए आप ध्यान रखना। बाकी मैं तो यही कहूंगा अपने दिल की सुनो, मैंने अपने दिल की सुनी, मुझे कुछ अलग करना था, मुझे फेमस होना था। जाहिर सी बात है अभी मैं फेमस नहीं हुआ हूं जिस हिसाब से अभी मेरा चल रहा है, बट मैंने फेमस होने के लिए स्टार्ट किया था और मैं फेमस लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा तो हो गया हूं। फेमस होने के साथ साथ अब मैं अर्निंग भी कर रहा हूं। तो जिस चीज में आपका मन लगता है वो चीज अगर आप करोगे तो उससे आपको फायदा तो जरूर होगा। बाकी एक गोल रखो, फेलियर तो आएंगे, ठीक है ना,
बट सक्सेस भी आप हो जाओगे। बाकी आज के लिए इतना ही, बहुत बड़ी वीडियो बन गई मेरे हिसाब से। बाकी मैंने कुछ न्यू ट्राई किया, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और पीछे कौन सोया है? परी ले, सोई हुई है भाई साहब, सोई हुई है, रहने दो, परी सोई है पीछे। बाकी काफी सारे बंदे बोलते हैं भाई बंटी कहाँ गया, बंटी बंटी छत पे रहता है मेरे दूसरे कमरे में। इस कमरे में मैं कभी कभी फेस कैम वीडियोस बनाने आता हूँ सिर्फ, छत पे मैं ज्यादातर गेम प्ले वगैरह बनाता हूँ या फिर कोई वॉइस ओवर वाली वीडियो तो मैं ऊपर बनाता हूँ क्योंकि ऊपर थोड़ा बढ़िया रहता है। बाकी बंटी के साथ भी एक ब्लॉग जल्दी आएगा और परी के साथ भी, दोनों के साथ एक ब्लॉग डालूंगा मैं। बाकी आज के लिए इतना ही रखते, बाय बाय।